वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल आई होप दैट यू आर आर डूइंग गुड गाइज आज से हम रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग स्टार्ट करेंगे और आज हम रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग का सबसे पहला और बेसिक लेक्चर डिस्कस करेंगे दैट इज रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग टर्मिनोलॉजी ठीक है हाँ तो चलिए गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज पोजिशनिंग टर्मिनोलॉजी हाँ अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे ह्यूमन बॉडी एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ठीक है हाँ और ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए या इसके मोमेंटस को स्टडी करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है उसको कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है ताकि वो ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब कर पाए या इसके मूवमेंट्स को डिस्क्राइब कर पाए ठीक है हाँ तो अगर टेक्नोलॉजिस्ट इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो

ठीक है जो ह्यूमन बॉडी है ना इसको डिवाइड किया गया वेरियस प्लान में ठीक है मेनली तीन में ह्यूमन बॉडी को डिवाइड किया गया तो मीडियन सजाइटलोनल प्लान एंड ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लान ठीक है दीज आर द थ्री मेन प्लेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे मीडियन सजाइटल प्लान हाथ मीडियन सर्जेटल प्लान इज दैट प्लान विच डिवाइड इज द बॉडी इन टू राइट एंड लेफ्ट हाउस देखिए ये ह्यूमन बॉडी है तो अगर हम कोई ऐसा प्लान डालेंगे जो कि ह्यूमन बॉडी को राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करे ठीक है तो ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं मीडियन प्लेन दिस इज ह्यूमन बॉडी तो कोई ऐसा प्लेन जो ह्यूमन बॉडी को राइट right हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करे उसको हम बोलते हैं मीडियन मीडियन प्लेन प्लेन अब जो plan, जिसने क्या किया ह्यूमन बॉडी को लेफ्ट हाफ और राइट right हाफ में डिवाइड किया तो अगर हम इस मीडियन सजाइटल प्लेन का कोई पैरेलल प्लेन डालेंगे कोई भी पैरेलल प्लेन वो प्लेन क्या होना चाहिए टू द प्लेन और वो प्लेन क्या करेगा वो ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करेगा इनटू टू अनुअल लेफ्ट एंड राइट पोर्शन क्योंकि इक्वल तो किसने किया मीडियम सेजेटल प्लेन ने अब अगर हम कोई भी प्लेन पैरल डालेंगे इस मीडियम सेजेटल प्लेन को जो कि ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करेगा लेफ्ट एंड राइट बट अन एकवल पोर्शन दैट वेरी प्लान इज सिंपली कॉल्ड एज सजाइटल प्लान और पैरासजाइटल प्लान क्या कहते हैं बॉडी इन टू अनुल लेफ्ट एंड राइट पोर्शन दैट इज सिंपली कॉल्ड एज सजाइटल प्लान और पैरासजाइटल प्लान ठीक है हा तो चलिए इसके बाद हम दूसरा प्लान डिस्कस करेंगे दैट इज क्रोनल प्लान दैट इज क्रोनल प्लान देखिए ह्यूमन बॉडी है जो इसका फ्रंट पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट एंटीरियर पोर्शन और जो इसका बैक पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट या पोस्टीरियर पोर्शन ठीक है अब अगर मैं क्या करूँगा अगर मैं कोई ऐसा प्लान डालूंगा जो कि ह्यूमन बॉडी को क्या करेगा जो कि ह्यूमन बॉडी को एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड करेगा ऐसे में प्लान डालूंगा जो ह्यूमन बॉडी को एंटीरियर एस्पेक्ट एंटीरियर पोर्शन या पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड करेगा ऐसे प्लान को हम बोलते हैं कोरोनल प्लान क्या बोलते हैं कोरोनल प्लान ठीक है सो कोरोनल प्लान इज दैट प्लान विच डिवाइड इज द बॉडी इनटू एन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन ठीक है हां इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लान ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लान ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लान इज दैट प्लान विच डिवाइड द ह्यूमन बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इनफीरियर पोर्शन सुपीरियर एंड इनफीरियर पार्ट्स ठीक है हाँ देखिए अब मैं क्या करता हूं मैं ह्यूमन बॉडी का कोई ऐसा प्लान डालता हो कोई ऐसा प्लान जो कि ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करेगा इनटू सुपीरियर पोर्शन एंड पोर्शनियर पोर्शन तो ऐसे प्लान को जो कि ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करेगा इनटू इंफीरियर एंड सुपीरियर पोर्शन ऐसे प्लान को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लान क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लान हाँ देखिए जो बॉडी के ये तीन प्लान है ना मीडियम सजाइट प्लान कोरोनल प्लान एंड ट्रांसवर्स ट्रांसफॉर्स एक्सियल प्लान दे आर म्यूचुअली एक दूसरे के पर्पेंडिक्यूलर होते हैं दे आर म्यूचुअली पर्पेंडिक्युलर टू ईच अदर ठीक है ये पॉइंट आप याद रखना ठीक है हाँ और जो ये तीन प्लान है ना मीडियम सेजाइटल प्लान ट्रांसवर्स आर एक्सियल प्लान एंड कोरोनल प्लान इनकी बहुत एप्लीकेशन है अगर हम बात करेंगे प्लान रेडियोग्राफी की या अगर हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग की फॉर एग्जांपल की बात करें एमआरआई की बात करें तो उनमें भी ये प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है हाँ तो गाइज आई होप कि आपने ये अच्छे से अंडरस्टैंड किए हो ठीक है हाँ तो चलिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बॉडी पोजिशन देखिए जब हम पेशेंट के रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन लेते हैं या पेशेंट को रेडियोग्राफिक व्यूज लेते हैं तो उसमें हम पर्टिकुलर पोजिशन अप्लाई करते हैं तो उन्हीं पोजिशन को हम बोलते हैं बॉडी पोजिशन एंड दीज बॉडी पोजिशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टेकिंग द रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन हां तो सबसे पहली जो पोजिशन हम पढ़ेंगे दैट इज इरेक्ट दैट इज इरेक्ट वट इज एन इरेक्ट पोजिशन इरेक्ट पोजिशन इज बेसिकली एन अपराइट पोजिशन इज एन अपराइट पोजिशन टू स्टैंड और टू सिट इरेक्ट ठीक है हाँ, या अपराइट पोजिशन में खड़ा रहना या अपराइट पोजिशन में बैठना तो ऐसी पोजिशन को हम बोलते हैं इरेक्ट पोजिशन ठीक है तो जो एक पेशेंट है वो इरेक्ट पोजिशन में स्टैंड uh, कर सकता है या सिट कर सकता है उसका जो uh, उसका जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है कभी कुबार वो कैसे कैसेट के साथ होगा कभी कुबार उसका एंटीरियर एस्पेक्ट कैसेट के साथ होगा लेकिन इरेक्ट पोजीशन में और कभी कुबार उसका लेटरल आस्पेक्ट या राइट right लेटरल या लेफ्ट लेटरल कैसेट के साथ होगा ठीक है सो ए पेशेंट मे बी स्टैंडिंग और सिटिंग विद पोस्टीरियर ऑस्पेक्ट अगेंस्ट द कैसेट एंटीरियर ऑस्पेक्ट अगेंस्ट द कैसेट और लेफ्ट और राइट साइड अगेंस्ट द कैसेट दैट इज लेटरल ऑस्पेक्ट ठीक है हा दिस इज द इरेक्ट पोजिशन नाउ एंड पोजिशन वी विल डिस्कस इज डेक्यूबाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशन ठीक है हा डेक्यूबाइट्स होती है अब पेशेंट लाइंग डाउन होता है वो डिफरेंट वेज में लाइंग डाउन हो सकता है ठीक है हां देखिए द पेशेंट मे बी लाइंग इन अब जो पेशेंट लाइंग पोजिशन में है लाइंग डाउन पोजिशन में है या लेटा हुआ है तो वो डिफरेंट तरीकों से लेट सकता है ठीक है हां नंबर फर्स्ट वे इज सुपाइन आर विच यू कॉल एज डॉर्सल डेक्यूबाइट्स नंबर सेकंड इज प्रोन आर यू कॉल इट एज वेंट्रल डेक्यूबाइट्स नंबर थर्ड वे इज लेटरल डेक्यूबाइट्स एंड नंबर फोर्थ वे इज सेमी रिकम्बेंट ठीक है नाउ एक्सप्लेन दिज वन बाई वन सबसे पहले हम देखेंगे पेशेंट ठीक है हाँ तो इस, इसका जो फेस है वह ऊपर की तरफ है लेकिन जो इसका बैक है बैक ही इज लाइंग ऑन द बैक बैक किसके साथ होता है कैसर के साथ होता है ठीक है तो दिस पोजिशन इन विच द पेशेंट इज लाइंग ऑन द बैक इट इज कॉल्ड एज सुपाइन और डॉर्सल डेक्यूबाइट्स क्या बोलते हैं सुपाइन और डॉर्सल डेक्यूबाइट्स इसके बाद हम देखेंगे प्रोन या वेंट्रल डेक्यूबाइट्स प्रोन और वेंट्रल डेक्यूबाइट्स इज द पोजिशन इन विच द पेशेंट इज लाइंग फेस डाउन जब पेशेंट अपना फेस डाउन रखेगा ठीक है Uh, जो फेस है वो डाउन रखेगा और जो बैक है वो ऊपर की तरफ होगा तो आईसी पोजीशन को हम बोलते हैं प्रोन या वेंट्रल डेक्यूबाइट्स ठीक है वेंट्रल डेक्यूबाइट्स ये पेशेंट है ये पेशेंट है इसका जो फेस है दैट इज लाइंग डाउन द फेस इज लाइंग डाउन ठीक है हा एंड दिस पोजिशन इज कॉल्ड एज प्रोन और वेंट्रल डेक्यूबाइट्स Now the third type of uh, this decubitus position is lateral decubitus. Lateral decubitus. अब अगर patient lying down position में होगा, लेकिन on the side, on the side, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं lateral decubitus. क्या बोलते हैं lateral decubitus? ठीक है? हाँ, lateral decubitus. अब जो patient है, वो right right lateral की तरफ, right side की तरफ lying down position में होगा, या left side की तरफ लाइन डाउन पोजिशन में होगा अगर वो राइट right साइड की तरफ लाइंग डाउन पोजिशन में होगा तो इट इज कॉल्ड एज राइट लेटरल डेक्यूबाइट्स। अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ लाइंग डाउन पोजिशन में होगा तो इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट लेटरल डेक्यूबाइट्स। क्या बोलते हैं लेफ्ट लेटरल डेक्यूबाइट्स तो आप गाइज स्क्रीन पे देखिए ये इमेजेस आपको अच्छे से समझ आएगा कि प्रोन क्या होता है सिपाइन क्या होता है और राइट लेटरल डेकेबाइट्स एंड लेफ्ट लेटरल डेकेबाइट्स क्या होता है ठीक है हां Now the last decubitus position is semi-recumbent. Is semi-recumbent. ठीक है? Semi-recumbent इसको हम एक और नाम बोलते हैं reclining. क्या बोलते हैं reclining position. Basically it is uh, the position that is part way between supine and standing erect. Supine, supine position, supine position और erect position के part way. यानि इसमें patient ऐसे होता है. ठीक है? हाँ इसमें पेशेंट होता है इन बिटवीन स्यूपाइन एंड स्टैंडिंग इरेक्ट लेकिन जो पेशेंट का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है ना बैक uh, का टंग का दैट इज अगेंस्ट द कैसेट ठीक है आई सी आई सी जो इसका बैक होता है दैट इज अगेंस्ट द कैसेट ठीक है दिस इज द सेमी रिकमेंड पोजिशन गाइज आई होप कि आज का जो टॉपिक था आपको अच्छे से समझ आया होगा किसी को कोई क्वाइरी होगी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना फी अमान